इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। दिए हुए पैटर्न का यूज करते हुए हमें जो है मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर और दूसरे नंबर में देखेंगे 1, 2 है, यहाँ पर 2, 3 है, यानी कि 2 से जो है एक नंबर ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पर 4 है, यानी कि 3 से एक नंबर ज़्यादा है। 4, 5 है, यहाँ पर 5, 6 होगा तो यहाँ आएगा 6 है। अब देखिए यहाँ 6 है तो 7 है। अब देखिए तीसरे वाले नंबर को कंप्लीट करेंगे तो हम पहले नंबर और दूसरे नंबर की सहायता से जो है हम तीसरे नंबर को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर केवल जो है हम बेस की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है बेस 1 और 2 है, 1 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 बन जा 2 आया। यहाँ पर बेस 2 और 3 हैं, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की तो 2, 3 जा 6 आया। अब इसमें देखिए 3 और 4 की मल्टीप्लाई की तो 3, 4 जा 12 आया। अब यहाँ पर 4 और 5 की मल्टीप्लाई की हमने तो 4, 5 जा 20, तो यहाँ पर आएगा हमारा 20। 5 और 6 की मल्टीप्लाई की तो 5, 6 जा 30। 6 और 7 की मल्टीप्लाई की तो 6, 7 जा 42। अब जो है थर्ड नंबर और राइट हैंड साइड नंबर की बात करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ इधर 2 है, इधर 3 है, यानी एक नंबर ज़्यादा राइट हैंड साइड में है। इधर 6 है तो इधर 7 है, तो इधर वाले नंबर से राइट हैंड साइड वाला नंबर एक ज़्यादा है। इधर 12 है, इधर 13 है, इधर 20 है तो इधर 21 है, इधर 30 है तो 31 है, और इधर 42 है तो इधर 43 आएगा। तो इस टाइप से जो है हमारे मिसिंग नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। जो भी यहाँ पर गिवन है हमें ऐड किए बिना ही इसका जो है सम बताना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये सभी जो हैं ऑड नंबर हैं और इनमें जो है कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा है, और जब कोई नंबर मिस नहीं हो रहा है तो इसको जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है जो उसे हमेशा याद रखना है। तो फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब इन ऑड नंबरों को गिनो और उसका स्क्वायर कर दो। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन की वैल्यू आ गई 5 और 5 का क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर। तो देखिए तो 5 का स्क्वायर कर दिया, 5, 5 जा 25। अब देखिए इन सभी का जब टोटल करेंगे तब जो है टोटल जो है 25 आएगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम देख रहे हैं कि जो है ये सभी जो हैं ऑड नंबर हैं और इन ऑड नंबरों के बीच में कोई भी मिसिंग नंबर नहीं है, तब जो है हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहले जो है इन नंबरों को गिनिए कि कितनी बार आए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 नंबर हैं, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 10 और n स्क्वायर कितना होगा, यानी 10 का स्क्वायर 10, 10 जा 100।
इन सभी नंबरों को ऐड करने पर जो है वो 100 आएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है मिसिंग नंबर नहीं है। तो देखिए इन नंबरों को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है यहाँ पर नंबर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। और यदि 12 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप 12 की दो बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स बेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का होता है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 7 का स्क्वायर। फोर्टी नाइन को पहले 7 ऑड नंबर के सम में हमें दिखाना है। पहले 7 ऑड नंबर्स का सम करेंगे तो जो है 49 प्राप्त होगा। तो देखिए पहले 7 ऑड नंबर को लिखेंगे, लेकिन उनके बीच में कोई भी मिसिंग नंबर नहीं होना चाहिए, सभी नंबर सीरियल वाइज होने चाहिए। यानी कि 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है? 3 के बाद होता है 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, 11, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे जो है 7 शुरू के ऑड नंबर हो गए, और इनका यदि हम सम करेंगे तो वो जो है 49 आएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट है, 121 का स्क्वायर कितना होता है? किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर जो है 11 शुरू के ऑड नंबर लिखेंगे। तो पहले के ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, +13, +15, +17, +19, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 21। ये सभी जो है 11 ऑड नंबर हो गए और इनके बीच में कोई भी मिसिंग नंबर नहीं है। अब इनका टोटल करेंगे तो 121 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पर जो नंबर गिवन है उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो है हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए फार्मूला क्या है, टोटल नंबर बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2n। यानी कि टोटल नंबर जो लाई करते हैं बिटवीन किसके, एन स्क्वायर और एन प्लस वन स्क्वायर के बीच में, उनका आंसर 2n आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 2 कॉन्सेटिव नंबर के स्क्वायर जो होता है वो 2n होता है। अब कॉन्सेटिव कैसे,
कि लगातार आने वाली संख्या, जैसे एन है तो एन के बाद आगे का नंबर कौन सा आएगा, एन प्लस वन आएगा, तो इसे जो हम कॉन्सर्टिव कहेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर पार्ट वन है 12 और 13 के बीच में लाई करने वाले टोटल संख्या हमें फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल नंबर, पहला पार्ट हो गया हमारा टोटल नंबर बिटवीन 12, अब यहाँ पर 12 दे रखा है तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे, एंड यहाँ पर दे रखा है 13 तो 13 का स्क्वायर करेंगे इजिकल टू। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ इसे 13 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, तभी हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ पर भी n की वैल्यू 12 हो गई, 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब n की वैल्यू 12 हो गई तो यहाँ पर जो है हम n की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × 12 = 24। तो जो है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में टोटल जो है 24 नंबर आएंगे। सेकेंड पार्ट है 25 और 26 है, 25 और 26 का स्क्वायर करने पर उनके बीच के नंबर हम फाइंड करेंगे इसी टाइप से। तो देखिए टोटल नंबर बिटवीन, अब देखिए यहाँ पर हमने 12 लिखा था तो हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर लिखेंगे एंड 26 का स्क्वायर इजिकल टू 2n। अब n की जगह हमारा क्या आएगा, तो ये तो हमारा 25 हो गए, 26 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है n की यहाँ पर कंपेरिजन करें n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर का, 25 का स्क्वायर और 25 प्लस 1 के स्क्वायर से कंपेयर करें तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 25 आएगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे 25 और 25 टू जा कितने हो गए, 50 हो गए। तो 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच का जो टोटल संख्याएं आएंगी वो 50 आएंगी। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी हम इसी टाइप से करेंगे कि टोटल नंबर बिटवीन यहाँ पर 99 का स्क्वायर करेंगे एंड 100 प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे इजिकल टू क्या आता है, 2n आता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 99, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 99 लेंगे और 2 की 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 9 = 18 कैरी 1, 2 × 9 = 18 = 19। तो 198 जो है वो 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में टोटल संख्याएं हैं।